हमारे देश में ऐसे कई बच्चे हैं जो आज भी शिक्षा का महत्व नहीं जानते हैं। ऐसे ही बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की दो छात्रा दीक्षा और महक ने, जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बच्चों को शिक्षा देने की ठान ली है। ये दोनों छात्राएं यूथ ब्लड डोनर संस्था से जुड़ी हैं, जो बच्चों को किताबें एवं शिक्षा का अन्य सामान मुफ्त में प्रदान कराते हैं। सभी बच्चे और उनके परिजन इस मुहिम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम यूथ ब्लड डोनेशन फाउंडेशन के साथ अब वर्क कर रहे हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट है सुमित सर, उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हम अपना शिक्षा का ज्ञान दूसरे को दे सकते हैं ताकि वो भी बढ़े आगे। उसके लिए सुमित सर ने हमें प्रेरणा दी और यूथ ब्लड डोनेशन और भी अलग अलग कार्य कर रहा है। आप ये बताइए कि जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सोच किस तरह आपके उसमें आई, जहन में आई, जो आजकल बच्चे मतलब जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप कैसे? जैसे देखा हमने कि इन बच्चों को गिनती भी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन तभी देखा कि बच्चे घूम रहे हैं, ऐसे ही रास्तों में घूम रहे हैं, यहाँ पे कारें आती हैं, उनका एक्सीडेंट, मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ाई लिखाई आगे कितनी ज़रूरी है वो ये नहीं समझ रहे। तो सुमित सर के साथ हमने मिलके ये शुरू किया। शुरू में हमारे पास 7 से 8 बच्चे आते थे, लेकिन 4-5 दिन में ही हमारे पास 28 बच्चे हो गए। इनमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो जिन्हें आता है लेकिन वो स्कूल से उनके पेरेंट्स ने उठा दिया है। मैं यूथ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यहाँ पे सुंदरपुरा पुल के नीचे झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को फ्री में पढ़ाने आती हूँ 1 घंटा। किस तरह आपका ध्यान गया बच्चों की तरफ, क्या सोच लेकर आप इस तरह के कार्य कर रही हैं? हमने इनको ऐसे ही घूमते फिरते देखा, ऐसे ही कहीं कहीं बैठे रहते हैं गंदगी में, कभी कहीं कभी कहीं। और फिर हमने इनसे एक दिन बातचीत की, इनके पेरेंट्स से मिले हम, तो इनके पेरेंट्स से पूछा तो इनके पेरेंट्स भी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल अवेयर नहीं थे। फिर इनके पेरेंट्स को अवेयर किया हमने पढ़ाई के लिए, और फिर इन बच्चों से बातचीत की, तो इन बच्चे कुछ बच्चे स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो रुचि रख रहे थे पढ़ने में जब हम पहले दिन यहाँ आए पढ़ाने, फिर धीरे धीरे करके बढ़ते गए बच्चे, अवेयर होते गए पढ़ाई को लेकर, और अब काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और इनके पेरेंट्स भी अब इनको काफ़ी अवेयर कर चुके हैं, इनको भेजते हैं पढ़ने के लिए। दोनों छात्राओं ने ये मुहिम यूथ ब्लड डोनर संस्था के साथ मिलकर शुरू की है। संस्था ने इन बच्चों को जरूरी सुविधाएं देने का बीड़ा उठाया है। दरअसल दीक्षा और महक ने कुछ बच्चों को गंदगी में इधर उधर घूमते देखा तो उनके मन में उन्हें पढ़ाने का विचार आया। दोनों ने सबसे पहले बच्चों के परिजनों को समझाया और ऐसे ही धीरे धीरे 4-5 दिनों के अंतर्गत उनके पास लगभग 28 बच्चे इकट्ठा हो गए जो रोज पढ़ने आने लगे। दोनों छात्राएं कोरोना नियमों का भी पूरा ध्यान रखती हैं। सभी बच्चे समय समय पर हाथ सैनिटाइज करते हैं और साथ ही मुंह पर मास्क लगाकर पढ़ने आते हैं।